हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक कमाल का वीडियो। और इस वीडियो में नीरा फिनेंस पर्सनल लोन के बारे में बात करने वाला हूँ। नीरा फिनेंस की तरफ से आप लोग पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना आप लोग चार्जेस लगने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ के बारे में मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यदि आप लोग नीरा फिनेंस से पर्सनल लोन चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू टू चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग नीरा फिनेंस इंस्टेंट लोन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इसका हम लोग सारा बेनिफिट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ये जो लोन है ये आप लोग 5000 से लेके 1 लाख रुपीस तक का मिल सकता है, यानी कि मिनिमम आप लोग 5000 मिलेगा और मैक्सिमम आप लोग 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं। 100% आप लोग ऑनलाइन प्रोसेस से आप लोग एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। ये जो लोन मिलने वाला है वो आप लोग 3 महीना से लेके 12 महीना का ही मिलेगा, यानी कि आप लोग मैक्सिमम 1 साल का आप लोग लोन ले सकते हैं। यानी कि आप लोग लॉन्गर टर्म के लिए आप लोग लोन चाहिए तो आप लोग यहाँ से नहीं ले सकते हैं, आप लोग मैक्सिमम 12 मंथ का आप लोग यहां से लोन ले सकते हैं। ये जो लोन है वो इंस्टेंटली अप्रूव हो जाता है और इंस्टेंटली आप लोग डिपॉजिट हो जाएगा। विद इन 5 to 10 मिनट्स आप लोगों को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो लगने वाला है वो 24% से लेकर 36% के बीच में लगने वाला है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा हायर साइड में है। चलिए अब हम लोग इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। यदि आप लोग सैलरीड पर्सन है तो आप लोगों का एज 25 से लेकर 60 ईयर के बीच में होना चाहिए। मिनिमम इनकम 25,000 का होना चाहिए और आप लोगों का आईडी प्रूफ लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा और इनकम प्रूफ लगेगा। और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग इंडियन रेसिडेंस होने चाहिए और सिविल स्कोर जो होना चाहिए वो 660 से ज्यादा का होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग एलिजिबिलिटी और बेनिफिट के बारे में जान लिए हैं। तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो आप लोग इस टाइप का पेज आ जाएगा जहाँ पे आप लोग नाम फिलअप करना पड़ेगा, फोन नंबर टाइप करना पड़ेगा और OTP सबमिट कर देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग नीरा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग नीरा ऐप को ओपन करना पड़ेगा, जहाँ पे आप लोग सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश जो भी आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग लोन अमाउंट कितना चाहिए वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। 5000 से लेके 1 लाख के बीच में आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग जो लोन चाहिए वो कितना मंथ के लिए चाहिए वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 9 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप लोग कितना इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हैं वो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो आप लोग लोएस्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 24% आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखते हैं नीरा का जो लेंडिंग पार्टनर है वो इस यहाँ पे लिखा गया है, मुथूट है, उज्जीवन है और बाकी सारा आप लोग देखते हैं यहाँ पे आप लोग लेंडिंग पार्टनर मिल जा रहा है, जिसको आप लोग देख के आप लोग समझ के आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट करना पड़ेगा, आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे फोन नंबर और OTP सबमिट करना पड़ेगा और रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं ये आप लोग सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आप लोग को सैलरी कैसे मिलता है, कैश में या बैंक में, वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग मंथली इनकम कितना है वो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के बाद आप लोग यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह टाइप करना पड़ेगा, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आप लोगों को पिन कोड टाइप करना पड़ेगा। जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप लोग मैरिड हैं या सिंगल ये आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को नेक्स्ट पेज में आप लोग कितना लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं ये यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 49,000 लिख के आ गया है। तो जितना भी अमाउंट चाहिए वो आप लोग यहाँ पे स्लाइडर से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी टेन्योर के लिए चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं और फिनिश एप्लीकेशन में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालना पड़ेगा, यानी कि कंपनी नेम, योर डेजिग्नेशन, ये सब आप लोग सबमिट करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा, पैन कार्ड का पिक्चर अपलोड करना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जिस बैंक में सैलरी आता है उसका आप लोग यहाँ पे PDF अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग एक्सपीरियंस स्कोर आ जाएगा, जिसको आप लोग देख के आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा जो कि वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। जैसे ही वेरीफाइड हो जाता है तो आप लोग लोन मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैं आप लोग प्रोसेस बताया हूँ उस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग नीरा फाइनेंस की तरफ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नीरा फाइनेंस के अंदर क्या देख सकते हैं, आप लोग को जो लोन इंटरेस्ट लगने वाला है वो बहुत ज्यादा हाई है। 24% से लेके 36% तक आप लोग इंटरेस्ट लगने वाला है, प्लस आप लोग 1 साल से ज्यादा का लोन नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग को बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो आप लोग नीरा फाइनेंस से लोन मत लीजिए, क्योंकि आप लोग जो चार्जेस लगने वाला है वो बहुत ज्यादा हाई लगने वाला है।
तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि यदि आप लोग बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और कहीं से भी आप लोग लोन नहीं मिल रहा है, तब आप लोग लास्ट केस में आप लोग नीरा फाइनेंस से आप लोग लोन ले सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि नीरा फाइनेंस के अंदर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, जो भी आप लोग चार्जेस लगने वाला है वो फाइनल पेज में आप लोग लोन एग्रीमेंट में आप लोग को दिख जाएगा, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और यदि आप लोग सूटेबल रहता है, आप लोग चार्जेस आप लोग के रेंज के अंदर रहता है, तो आप लोग ले सकते हैं। और यदि आप लोग नीरा फाइनेंस पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।